हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ मेघा और आप सभी का स्वागत है ट्विंस बेबी मामा डॉट कॉम चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं आज की जनरेशन के हिसाब से हमें अपने दोनों बेबी के बीच में कम से कम कितने साल का गैप रखना चाहिए और क्यों रखना चाहिए। तो फिर चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, देखिए पहले की बात अलग थी कि पहले जो है ज्वाइंट फैमिली हुआ करती थी, सभी लोग एक साथ रहते थे, बच्चे कब बड़े हो जाते थे पता ही नहीं चलता था, क्योंकि पहले ऐसा नहीं था कि सारा लोड आपके ही ऊपर आएगा। तो पहले काफी हेल्प मिल जाती थी क्योंकि फैमिली ही इतनी बड़ी होती थी। लेकिन आज की जो जनरेशन है वो बिल्कुल चेंज हो चुकी है। आजकल बिल्कुल भी ऐसा नहीं होता है। हम सभी जानते हैं कि हस्बैंड वाइफ ही रहते हैं ज्यादातर, वो भी उनमें से कुछ लोग तो ऐसे होते हैं जो दोनों ही जॉब करते हैं, तो जिस वजह से दोनों लोग ही बहुत ज्यादा बिजी रहते हैं। तो इसलिए अब हम बात करते हैं कि हमें कम से कम कितना गैप रखना चाहिए दोनों बच्चों के बीच में। देखिए मैं इसमें अपना पर्सनल ओपिनियन आपके सामने रखना चाहूंगी कि आपको कम से कम दोनों बेबी के बीच में मिनिमम से मैक्सिमम 5 साल का फर्क जरूर रखना चाहिए। वैसे तो अगर बच्चा आपका 3.5 साल का हो जाता है तो भी काफी समझदार हो जाता है, आप 3.5 साल के बाद भी बिल्कुल दूसरा बेबी कर सकते हैं। तो रीजन आपको मैं बता दूं कि देखिए होता क्या है कि हमसे बोला जाता है कि सब हो जाएगा आप कर लीजिए। आज वो टाइम नहीं रहा कि सब हो जाएगा, कुछ भी नहीं होता है अपने आप, बल्कि सब कुछ करना ही पड़ता है। जैसे कि आपने अपना पहला बेबी किया होगा तो उसमें आपने बहुत सारी प्रॉब्लम फेस की होंगी कि जो लोग आपसे बोलते हैं कि कर लो हम हेल्प कर देंगे, मतलब जब हो जाता है ना तो कुछ भी ऐसा नहीं होता है, बल्कि फिर बाद में क्या प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि बेबी तुम्हारा है तो तुमको ही करना होगा। अब वो टाइम नहीं है कि दादी मालिश करनी है, आप खाना बना लीजिए, या ऐसा कुछ नहीं होता है। आप सब कुछ आपको खुद ही करना पड़ता है। 80% ऐसा होता है, बहुत ही कम ऐसा होता है जहाँ पे आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलती है। और हेल्प कब तक मिलती है, जैसे मान लीजिए आपकी सी सेक्शन डिलीवरी हुई है तो आपके घर से या कोई भी आपको 1 से 1.5 महीने तक आपको हेल्प मिल जाएगी, या आपकी नॉर्मल डिलीवरी हुई है तो कोई 10-15 दिन के लिए आ जाएगा। उसके बाद में जितने भी काम होते हैं जो भी होता है आपको खुद ही करना पड़ता है। सबसे पहले आपको एक बात क्लियर कर दूं कि मैंने कई जगह देखा है कि पहला बेबी 1 साल का है तो तुरंत इधर दूसरा बेबी कंसीव हो गया, तो मतलब कंसीव करने में दिक्कत नहीं होती, लेकिन दिक्कत होती है सबसे ज्यादा बाद में पालने में, बाद में दोनों को संभालने में, बाद में दोनों को टाइम देने में बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। क्यों? क्योंकि देखिए जब हम पहला बेबी करते हैं तो हमारी बॉडी भी कोई वीक नहीं होती, बहुत ज्यादा स्ट्रांग होती है, तो हमको नहीं इतना पता चलता है। बच्चा जो है कम जब तक 4 से 5 साल का नहीं हो जाता तब तक वो आपके ऊपर ही पूरी तरह से डिपेंड रहता है। क्योंकि अगर 4 साल का बच्चा है, 5 साल का बच्चा काफी हद तक समझदार हो जाता है, वो काफी हद तक सारे काम अपने खुद ही करने लग जाता है। तो आप अगर इतना गैप रखती है तो आजकल ऐसा भी होता है कि जरूरी नहीं है आपका जो सिंगल बेबी है तो आप दूसरी बार करने जा रही है, तो आपको सिंगल ही हो, आपको ट्विंस भी हो सकते हैं, तो एक ये भी बहुत बड़ा रिस्क हो जाता है। और सबसे बड़ी तीसरी प्रॉब्लम है कि आपकी जो पहली प्रेगनेंसी थी कोई भी समस्या नहीं रही हो, तो ये बिल्कुल जरूरी नहीं है कि आपकी दूसरी प्रेगनेंसी भी बिल्कुल पहली प्रेगनेंसी जैसी हो। फिर इस केस में आप क्या करेंगे, एक बार अगर आपकी प्रेगनेंसी कंसीव हो गई और ये जो प्रोसेस चलता है काफी लंबा चलता है, फिर तो आपके सामने प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम है। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ कम से कम आपको अपना पहला बच्चा इतना बड़ा कर लेना चाहिए। तो इससे क्या फायदे रहेंगे, मान लीजिए आपको कोई प्रॉब्लम भी होती है तो आप अगर रिलैक्स करना चाहें तो आप अपने बच्चे से इतना बोल दें कि बेबी मुझे आराम करना है, तो आपका बेबी इतना समझदार होना चाहिए कि वो आपसे ये बोले हाँ मम्मा आप आराम कर लो, आपको कोई दिक्कत हो रही है। तो क्योंकि 4 से 5 साल का बच्चा काफी ज्यादा समझदार होता है और वो काफी ज्यादा आपकी हेल्प करता है, तो आप थोड़ा सा यहाँ पे जरूर दिमाग लगाइए कि आप दुनिया की बातों पे मत आइए कि आपसे बोला गया कि आपका बेबी 2 साल का हो गया तो आप तुरंत ही दूसरा कर ले। नहीं, आप सबसे पहले अपने आप से पूछिए कि आप पूरी तरह से प्रिपेयर है बेबी कंसीव करने के लिए, दूसरा क्या आप 24 घंटे ऑन ड्यूटी रहने के लिए तैयार हैं। आपको पता है कि छोटा बेबी में ना नींद पूरी होती है, ना खाने को टाइम से मिलता है, ना कोई पीने का टाइम होता है, कोई भी टाइम नहीं होता। तो पहला बच्चा होता है तो हम ये सब एडजस्ट कर लेते हैं, लेकिन अगर आप सेकंड बेबी है आपके पास और पहला बेबी भी आपको बहुत छोटा है तो फिर आपका ऐसा नहीं चलेगा कि आप रात में नहीं सो पाए तो आप दिन में सो जाएं, क्योंकि आपने पहला बेबी भी अगर छोटा रखा है तो आप पता चले थोड़ा सा आराम करने जा रही है तब तक उसने पोटी कर ली, या उसको भूख लगी है, या उसको कपड़े चाहिए, या उसको आपके साथ खेलना है, तो ये बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती है। फिर इससे क्या होगा कि आपका बड़ा वाला बेबी है उसकी भी केयर नहीं हो पाएगी, और साथ में जो छोटा बेबी आप उसको भी मतलब उस तरीके से नहीं केयर कर पाएंगे जिस तरीके से करना चाहिए। और सबसे बड़ी चीज कि बेबी होने का मतलब ये नहीं होता कि ये 1-2 दिन का प्रोसेस है, बेबी होने का मतलब होता है
होता है कि पूरे 2 से 3 साल तक ये लंबा प्रोसेस चलता है, तो आप थोड़ा सा सोच समझ कर ही कंसीव करें ताकि आपको बाद में प्रॉब्लम ना हो। और सबसे बड़ी बात, अब हस्बैंड आपसे बोलेंगे कि मैं आपकी हेल्प करूंगा, ये सभी हस्बैंड बोलते हैं और करते भी हैं। होता क्या है कि आपको तो 24 घंटे के लिए चाहिए, तो अब हस्बैंड अगर आपकी 24 घंटे घर पे ही मदद करेंगे तो फिर अपना काम कैसे देखेंगे? या क्योंकि आजकल बैठ के भी खाना पॉसिबल नहीं है, आप पहले से नहीं सोचते हैं, बाद में कंसीव हो जाता है, फिर हो जाता है, फिर ये सारी प्रॉब्लम्स आती हैं एकदम से। तो फिर क्या होता है कि एक दूसरे को ब्लेम करते हैं कि लो मैं तुम्हारी बातों में आ गई, तुमने कहा था हेल्प करेंगे, ये बड़ी समस्या हो जाती है। हस्बैंड आपसे बोलते हैं कि मैं घर का देखूं या अंदर का देखूं, फिर आप बोलेंगे कि मैं पूरे दिन बिजी रहती हूं, मैं भी थक जाती हूं, तो ये सारी समस्याएं क्रिएट ना हो तो आपको थोड़ा सा ध्यान जरूर रखना चाहिए। देखिए, अगर आपका पहला बच्चा समझदार है, 4 से 5 साल का हो गया है, तो आपको बहुत सारे फायदे होंगे। जैसे मान लीजिए आपको वॉशरूम जाना है तो आप बेबी से बोल सकते हैं कि आप बैठे रहो, आपको भूख लग रही है या थोड़ा सा खाना बनाना है, 2 रोटियां सेकनी है, तो आप उससे बोल देंगे कि बेबी के साथ बैठे रहो, मैं अभी आती हूँ। तो इससे क्या होगा कि आपको टाइम से खाने को भी मिलेगा, आपको थोड़ी सी आपकी भी केयर हो जाएगी। तो जब आप खाना पीना टाइम से लेती रहेंगी और थोड़ी बहुत देर आपका मन नहीं है तो जो आपका बड़ा वाला बेबी है वो भी उसके साथ खेलता रहेगा, तो इससे आपको काफी रिलैक्स मिलेगा। और फिर क्या होता है कि दोनों ही छोटे होंगे तो फिर आपके ऊपर बहुत ज्यादा लोड आ जाएगा, इससे आप बहुत ज्यादा चिड़चिड़ी हो जाएंगे, अंदर ही अंदर खिसियाने लगेंगे और बहुत ज्यादा काम तो आपको करना ही पड़ेगा। फिर क्या होगा कि छोटे बेबी का भी 24 घंटे करना है, फिर झाड़ू पोछा बर्तन सारा करना है, उसके बाद बड़ा बेबी है उसको भी पूरा टाइम देना है, उसको भी पता चला आपने इतना छोटा रखा कि उसको जब आप खाना खिला रहे तभी वो खाएगा, जब आप उसको कपड़े पहनाएंगे तभी वो पहनेगा, तो ये बहुत सारी समस्याएं क्रिएट होती हैं। और एक सबसे बड़ी समस्या है कि आपको दूसरा बेबी प्लान करने से पहले एक बार अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको जरूर देखना चाहिए कि आप सक्षम है कि नहीं पूरी तरीके से, कि और पता चला कि आपने दूसरा कर लिया, उसके जो आपका पहला बेबी था उसकी छोटी मोटी इच्छाएं पूरी कर रहे थे, बाद में वो भी खत्म हो गई, क्योंकि इससे फिर बच्चे पे बहुत ज्यादा निगेटिव इफेक्ट पड़ता है, उसको लगता है कि बस सारा जो भी है आप सारा आप छोटे वाले बाबू को ही दे रही है। कम से कम आपका बेबी इतना समझदार होना चाहिए कि आपके पास जो है कोई भी कंडीशन हो कि अगर आप उससे ये समझाना चाहें कि बेटा अभी नहीं बाद में कर देंगे तो आपका बेबी मान जाए, ठीक है। मतलब ऐसा नहीं होना चाहिए कि बच्चा अभी जानता ही नहीं है, कि किसी चीज को समझता ही नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि बेबी होने के बाद में क्या होता है कि पूरी कभी कभी तो बेबी पूरी पूरी रात डिस्टर्ब करता है, कभी कभी पूरे दिन रोता है, तो जिस वजह से तो खुद को ही रिलैक्स नहीं मिलता, तो ये जो सारी जो चिड़चिड़ापन होता है, ये जो भी गुस्सा आती है, सारा जो होता है वो जो हमारा पहले से बेबी होता है उसके ऊपर निकल जाता है, क्योंकि उसकी भी गलती नहीं होती, वो भी एक बच्चा होता है, तो सीधी सी बात है बच्चे के अंदर बच्चे ही जैसी समझ होगी। तो ये चीजें आपको जरूर ध्यान रखनी चाहिए, आज के टाइम पे बहुत ही सोच समझ के थोड़ा सा प्लान करें। आप पहले अपने आप को अच्छे से देख लें कि आप बिल्कुल तैयार हैं मेंटली भी और प्लस फिजिकली भी, क्योंकि आपको फिजिकली जितना डिस्टर्ब होना पड़ेगा उतना ही मेंटली भी डिस्टर्ब होना पड़ेगा, तो आपको दोनों ही चीजें बैलेंस बना के चलनी पड़ेगी। ये आप बहुत ही अच्छे से समझ लें, उसके बाद ही कंसीव करें। अब मैं आपके साथ अपना ओपिनियन रखना चाहूंगी, मेरी बेटी जब लगभग 3.5 साल की थी तब जो है दूसरा बेबी कंसीव हुआ था, तो कंसीव होते होते वो लगभग 4 साल से भी ऊपर की हो गई थी, तो काफी हद तक समझदार हो गई थी। लेकिन मेरे साथ क्या हुआ कि मेरे दोबारा में ट्विंस हो गए, ठीक है। तो मतलब मैंने जितनी भी गैपे रखी थी सारी बेकार चली गई, क्योंकि मेरे ऊपर फिर उतना ही प्रेशर आ गया, जिस चीज से मैं डर रही थी वही आ गया। और दूसरी चीज, मैंने सोचा था कि बेबी के टाइम पे कोई भी दिक्कत नहीं हुई थी, प्रेगनेंसी में आराम से निकल गई थी, लेकिन इस बार बिल्कुल उल्टा हो गया था, इस बार प्रॉब्लम पे ही प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी। और तीसरी बात, मैंने सोचा था कि जैसे वो नॉर्मल हो गई थी वैसे इधर भी नॉर्मल हो जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, फिर सी सेक्शन हो गया। तो इसका जो भी इफेक्ट है वो सारा मेरी बेटी पे पड़ गया, क्योंकि मैं उसको प्रॉपर टाइम नहीं दे पाती, फिर ट्विंस हो गए, ऊपर से फिर सी सेक्शन के बाद में अपनी बॉडी भी काम नहीं करती है। तो आपको इन बातों को जरूर ध्यान रखना है, मैं इसीलिए आपको समझा रही हूँ, करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बाद में जो प्रॉब्लमें आती है उनको फेस करने में बड़ा दिक्कत होती है। पूरे दिन आप घर में रहेंगे, आपको थोड़ा मन है टहलने का, तो आराम से छोटे वाले बेबी को गोदी लेके आप उसको जो है आराम से लेके जा सकते हैं। अब पता चला कि वो भी गोदी लायक है और वो भी गोदी के लायक है, तो बहुत ही ज्यादा समस्या क्रिएट होती है। और ये वीडियो मैंने इसीलिए बनाया है क्योंकि मैं ट्विंस को मैनेज कर रही हूँ, अभी भी वो लगभग 17-18 महीने को हो गए, लेकिन मुझे फिर भी अभी भी बहुत दिक्कत होती है। तो इसलिए मैं ये बिल्कुल राय नहीं देना चाहूंगी कि आपका पहला बेबी बहुत छोटा है उसके बाद में आप दूसरा और कर ले, आपका पर्सनल डिसीजन है और आप अपने हिसाब से डिसाइड करें, आप किसी के हिसाब से डिसाइड मत करें कोई। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसको लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और साथ ही में बेल आइकन दबाएं ताकि मैं कोई भी नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके मोबाइल पे आए। और कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझसे कमेंट करके जरूर पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले वीडियो में।